मैं आपको पूरा आज कनाडा इमिग्रेशन का क्रक्स समझा दूंगा और कनाडा इमिग्रेशन किस तरफ जा रहा है, फ्यूचर हमें क्या दिख रहा है, वो सब आपको ये 7 to 8 अपडेट्स में क्लियरली समझ आ जाएगा। अब कनाडा गवर्नमेंट एंड IRCC ने ये डिसाइड कर लिया है कि दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब आज से अगले 3 साल तक, हम इस 6.2% को रिड्यूस करके 5% करेंगे। आज हमारी इस वीडियो में बहुत कुछ कवर होने वाला है, बहुत सारे अपडेट्स कवर होने वाले हैं रिलेटेड टू कैनेडियन इमिग्रेशन। पिछले 1 या 2 महीने में कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड जो जो अपडेट्स हैं या जो जो न्यूज हैं, वो सब की सब ये एक वीडियो में कवर होने वाली है। गाइस चलिए सबसे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस की तरफ नजर मार लेते हैं। जनवरी 2024 से लेके अब तक एक्सप्रेस एंट्री की क्या लुक है, कैसा दिखता है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा कि रेस्ट ऑफ द ईयर कैसे निकलने वाला है। चलिए सबसे पहले जनरल ड्रॉ की बात कर लेते हैं। जनरल ड्रॉ में अभी तक जनवरी से लेके अब तक 9,000 इनविटेशंस आए हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंच कैटेगरी, जिसमें करीब 9,500 इनविटेशंस आए हैं। फिर आता है हमारा हेल्थ केयर, जिसमें 3,500 इनविटेशंस गए। फिर आता हमारा ट्रांसपोर्ट, जिसमें 975 इनविटेशंस, और आखिरकार एग्रीकल्चर, जिसमें करीब 150 इनविटेशंस गए हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि पिछले 3 महीने में स्टेम रिलेटेड एक भी इनविटेशन नहीं गया है। स्टेम में आपके साइंटिफिक पोजीशंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोजीशंस, मैथमेटिशियंस, इस टाइप की पोजीशंस या इंजीनियरिंग रिलेटेड पोजीशंस कवर होती हैं। अब इस सब में मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप कमेंट्स में अपने व्यूज इस पे मुझे दें कि कनाडा जिस प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा है या जिस सिचुएशंस के थ्रू जा रहा है, डू वी नीड मोर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डू वी नीड मोर फ्रेंकोफोन्स? आई मीन 9,500 इन्विटेशंस फॉर फ्रेंच कैटेगरी, इवन मोर देन दी ओवरऑल जनरल कैटेगरी। स्टेम का देख लीजिए, एग्रीकल्चर का देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी या इवन ट्रेड कैटेगरी, इनके नंबर्स तो कुछ है ही नहीं है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, नवंबर 2023 में, लास्ट ईयर में, मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों के व्यूज मांगे थे कि आपको क्या लगता है कि बाय नवंबर 2023 में मैंने पोस्ट डाला था, और मैं तब बात कर रहा था मई 2024, जिसको आने में अभी भी 2 या 3 महीने हैं, कि क्या आपको लगता है कि जनरल ड्रॉ में जो स्कोर जा रहा है CRS का, 500 से नीचे आएगा? उस वक्त ऑलमोस्ट 80% वोट्स आए थे कि यस, मई से पहले पहले 500 से नीचे स्कोर आ जाएगा, और जबकि सिर्फ 20% लोगों ने कहा था कि नहीं, मई से पहले 500 से नीचे CRS स्कोर नहीं जाएगा। वी आर एज ऑफ नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल ड्रॉ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, जिसमें स्टेम, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह आते हैं। और लास्ट जो हमारा जनरल ड्रॉ गया था, उसमें जो लोएस्ट स्कोर गया है CRS, वो है 525। तो अभी अगर आप एक्सप्रेस एंट्री का डेटा चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा करीब 10,500 पीपल, मोर देन 10,500 पीपल आर स्टिल अबव 500 CRS स्कोर। तो अभी हम मार्च के ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं, हमारे पास अप्रैल है, मई में है। आई क्लियरली मीन्स आगे को कुछ भी हो सकता है, बैक टू बैक IRCC ड्रॉ 3 या 4 निकाल दे, तो यू मे नेवर नो, बट जिस तरह अभी लग रहा है, आई डोंट सी इवन बाय मे एंड 500 से नीचे स्कोर जाने वाला। ओवरऑल अगर आप देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में टोटल जनरल ड्रॉ के इन्विटेशन जो आए हैं वो है सिर्फ 9,000। तो आप मैथ्स में, आई एम श्योर यू आर गाइज आर वेरी गुड, आप अपने आप मैथ्स कैलकुलेट करके देख लें कि हम अगले 2 या 3 महीने में कहां पे CRS स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बीच में एक प्रोविंस जो सबसे ज्यादा मेरे को इस वक्त एक्टिव लग रही है, वो है ओंटेरियो। ओंटेरियो ने इन्हीं 3 महीनों में क्लोज टू 14,500 इन्विटेशन दे दिए हैं, मीन्स नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिए हैं, इश्यू कर दिए हैं। सो आई बिलीव ओंटेरियो इज डेफिनेटली अमंगस्ट द मोस्ट एक्टिव प्रोविंसेस अमंगस्ट ऑल। चलिए गाइज अब हम जल्द से कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं, करीब 7 to 8 अपडेट्स हैं। अगर आप बैठ के चाय या कॉफी लाना चाहते हैं, आराम से बैठ जाइए, मैं आपको पूरा आज कनाडा इमिग्रेशन का क्रक्स समझा दूंगा और कनाडा इमिग्रेशन किस तरफ जा रहा है, फ्यूचर हमें क्या दिख रहा है, वो सब आपको ये 7 to 8 अपडेट्स में क्लियरली समझ आ जाएगा। तो आराम से टी एंड कॉफी लेके बैठ जाइए और उसके साथ ये पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको इसके बाद अपडेट्स रिलेटेड और
कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आज तक। चलिए पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। अफेक्टिव मार्च 19 जो डेट हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है, सिर्फ वही स्पाउसेस स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं जिनके पार्टनर्स कनाडा में मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कोई पीएचडी का प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई डॉक्टरेट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के स्पाउसेस आर एलिजिबल फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं या फिर कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, इन दैट केस दोज पार्टनर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट देयर स्पाउसेस अ स्पाउस ओपन वर्क परमिट। हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं ग्रेजुएट लेवल के जिनके लिए ये एक्सेप्शन है, जिनके स्पाउसेस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, जैसे कि आपका डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज ओनली मास्टर्स एंड पीएचडीज स्पाउसेस कैन गेट देयर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। ये बात तो हमें अभी क्लियरली समझ आ गई, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, बट ये यहां तक आप समझ गए हैं। लेकिन दिस डज नॉट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉरेन वर्कर्स। मतलब ये कि आप कपल में से अगर कोई यहां पे कनाडा में ऑन अ वर्क वीजा आता है तो उस केस में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके स्पाउसेस या पार्टनर स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन स्पाउसेस और पार्टनर्स जो यहां पे ऑन अ स्टडी परमिट आ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कुछ वीडियोस में पहले भी बता रहा हूं, अगर आपको कोई प्रोग्राम चूज करना है तो प्लीज ओनली एंड ओनली फोकस ऑन मास्टर्स और अबव प्रोग्राम्स, डोंट फोकस ऑन एनी अदर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। उसके लिए आप कनाडा मत आइए, उसके लिए आपको स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब दूसरा अपडेट ये है, ऑल दोज कॉलेजेस जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर चल रहे थे, दे विल नो मोर बी एलिजिबल टू गिव पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब ये पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस है कौन से? देखिए, ये वो कॉलेजेस है जिन्होंने यूनिवर्सिटीज के साथ, पब्लिक कॉलेजेस के साथ टाई अप किया हुआ है कि भाई हम अपने कॉलेज में आपका कोर्स पढ़ाएंगे, आपका करिकुलम पढ़ाएंगे, और जब वो बच्चा कर लेगा उसको क्लियर, करिकुलम कर लेगा, फिनिश कर लेगा एक साल का या दो साल का, तब आपकी यूनिवर्सिटी से उसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब क्या हो रहा था कि ये कॉलेजेस तीन क्लासरूम के भी कॉलेजेस थे, चार क्लासरूम के भी कॉलेजेस थे, और कॉलेजेस बना दिए गए थे, और मैक्सिमम कॉलेजेस ये ओंटारियो में मिलते थे। अब इसमें क्या हो रहा था, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ना बच्चे अटेंडेंस हो रही थी, ना कॉलेजेस सीरियस थे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, कभी क्लासेस होती थी कभी क्लासेस नहीं होती थी, बहुत ही ज्यादा गलत फायदा उठाया जा रहा था ये कॉलेजेस के द्वारा। इंडिया में जो एजेंट्स बैठे हैं या पाकिस्तान या कहीं भी जो एजेंट्स बैठे हैं उनको बहुत ही मोटी कमीशन मिलती थी इन कॉलेजेस से टू गेट द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन दीज पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस। अब आईआरसीसी ने क्या बोल दिया है कि दीज पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस विल नो मोर बी एलिजिबल टू गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। फंक्शन कर सकते हैं, इनको अपना बिजनेस करना है वो कर सकते हैं, कॉलेजेस फिर भी खुले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इनको नहीं मिलेगा। अफेक्टिव 15th में, आई रिपीट, अफेक्टिव 15th में कोई भी अगर आप बाहर से आ रहे हैं इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आपको चेक करना है ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू करते हैं, तो उस केस में आपको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट देखने पड़ेगी जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। सो गाइज, यहां पे आपको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट मिल जाएगी। मैं वेबसाइट canada.ca पे आया हुआ हूं। यहाँ पे जैसे लिखा है व्यू लिस्ट बाय प्रोविंस और टेरिटरी, तो यहाँ पे आप जैसे ओंटारियो में अगर देखना चाहते हैं तो प्रोविंस ओंटारियो को चूज कर लीजिए और यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉलेजेस का नाम लिखा है, आगे इंस्टीट्यूशन का नंबर लिखा है, सिटी लिखी है एंड कैंपस लिखा है, साथ में लिखा है ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे लिखा है नो, तो मीन्स दीज इंस्टीट्यूट्स डू नॉट ऑफर एनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रूटनाइज करेंगे, जैसे हम और लिस्ट आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे लिखा है एडलर ग्रेजुएट प्रोफेशनल स्कूल, यहाँ पे लिखा है येस, तो यहाँ पे डिटेल्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि ये कॉलेज ऑफर करता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा मास्टर्स करने का एक और फायदा ये है कि अगर आपने मिनिमम 8 months से लेके 2 years का मास्टर्स का प्रोग्राम किया है कनाडा में या करने आ रहे हैं, मिनिमम 8 months
2 2 ईयर्स का अगर मास्टर्स का प्रोग्राम आप कनाडा में करने आ रहे हैं तो उस केस में आपको 3 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर 8 महीने का भी आपने मास्टर्स का प्रोग्राम कर लिया या कहीं एडमिशन ले ली कनाडा में, तो सिर्फ आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा 3 साल का, साथ ही साथ आपकी स्पाउस आपके साथ आ सकते हैं, उनको स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी मिल जाएगा। चलिए अब तीसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। देखिए कनाडा की इस वक्त टोटल पॉपुलेशन क्लोज टू 41 मिलियन है। 41 मिलियन का मतलब है करीब 4 करोड़ 10 लाख के आसपास टोटल पॉपुलेशन है कनाडा की। इसमें 6.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यानी कि 25 लाख पीपल इन कनाडा आर टेम्पररी रेजिडेंट्स। अब यहां पे टेम्पररी रेजिडेंट्स कौन है? देखिए वो सब के सब जो यहां पे एज अ स्टडी परमिट पे है या फिर यहां पे एज अ वर्क वीजा होल्डर्स है या स्पाउसेस ऑफ बोथ वर्क वीजा एंड स्टडी वीजा होल्डर्स, सबके सब टेम्पररी रेजिडेंट्स का पार्ट है, तो इनको मिला के टोटल नंबर बनता है 25 लाख, दैट इज 2.5 मिलियन। अब कनाडा गवर्नमेंट एंड आईआरसीसी ने ये डिसाइड कर लिया है कि दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स मतलब आज से अगले 3 साल तक हम इस 6.2% को रिड्यूस करके 5% करेंगे। मतलब ये जो 2.5 मिलियन का फिगर है इसको रिड्यूस करके ये 2 मिलियन करना चाहते हैं। और जो मेजर रिडक्शन होगी इस नंबर्स में वो होंगी ऑन अ स्टडी वीजा, बिकॉज अभी आईआरसीसी ने डिसाइड कर लिया है कि मैक्सिमम 3,60,000 स्टडी वीजा विल बी इश्यूड इन 1 ईयर, इससे ज्यादा इश्यू नहीं किए जाएंगे। मगर इसमें मास्टर्स एंड पीएचडी एंड डॉक्टरेट्स के कैंडिडेट्स इंक्लूडेड नहीं है, उनके नंबर्स अलग हैं, वो अलग है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट जहां तक अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की बात आती है या और कोई भी प्रोग्राम्स की बात आती है, द लिमिट हैज बीन सेट एट 3,60,000 स्टडी वीजास। चलिए अब हम अपने चौथे अपडेट की तरफ चलते हैं। देखिए मार्क मिलर जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि देयर फोकस विल बी मोर ऑन डोमेस्टिक ड्रॉज। मतलब ये कि यहां पे जो लोग ऑलरेडी हैं कनाडा में करीब 25 लाख जो टेम्पररी रेजिडेंट्स यहां पे हैं, उनमें से किन लोगों को हम परमानेंट रेजिडेंसी दे सकते हैं उस पे ज्यादा फोकस होगा और वैसे के वैसे ही ड्रॉज निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीईसी ड्रॉज ज्यादा निकलेंगे। सीईसी का मतलब ये है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, मतलब जिनको यहां पे कनाडा में एक्सपीरियंस है 1 साल का या 2 साल का, उनके रिलेटेड ज्यादा ड्रॉज निकल सकते हैं, उनको ज्यादा फेवर मिल सकता है टुवर्ड्स गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी। और यही नहीं, इवन प्रोविंसेस को यह बता दिया गया है कि आप अपने पीएनपी प्रोग्राम्स को ऐसा मोल्ड करें कि जो लोग यहां पे हैं या आपकी प्रोविंस में हैं उनको ज्यादा फेवर किया जाए टुवर्ड्स गेटिंग देम परमानेंट रेजिडेंसी। अब इसके ऊपर कुछ ज्यादा डिटेल्स तो है नहीं, ये 1-2 लाइन की स्टेटमेंट आई थी, बट यहाँ पे आईआरसीसी का फोकस साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी 2.5 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं वो नंबर ये रिड्यूस करना चाहते हैं। जो भी हम अभी तक बात कर रहे हैं दिशा उसी तरफ दिख रही है, रास्ता उसी तरफ दिख रहा है। चलिए पांचवें अपडेट की तरफ चलते हैं। पांचवा अपडेट है हमारा LMIA रिलेटेड। अब देखिए LMIA क्या है, इसको मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। LMIA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूव करता है कि पहले एम्प्लॉयर ने कनाडा में जो उनको कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है वैसा कैंडिडेट उनको कनाडा में नहीं मिला, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया, एडवर्टीजमेंट दे दी, सब कुछ कर लिया, उनको वो कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो कनाडा से बाहर कोई फॉरेन नेशनल को हायर करना चाहते हैं। अब वो फॉरेन नेशनल हो सकता है ऑलरेडी कनाडा में हो एज अ टेम्पररी रेजिडेंट हो, वो भी फॉरेन नेशनल कहा जाता है, और जो कनाडा से बाहर है वो भी फॉरेन नेशनल कहा जाता है। सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स एंड कैनेडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन नेशनल नहीं कहते। अब इस डॉक्यूमेंट में कंपनी का नाम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है, जिस कैंडिडेट को वो हायर करना चाहते हैं उसका नाम होता है, उसको क्या जॉब डिस्क्रिप्शन पे हायर किया गया है वो डिटेल्स मेंशन होती है, वेजेस मेंशन होती है, उसके अलावा जॉब डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट पीरियड कितना है, वो सब की सब डिटेल्स ये LMIA के डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं कि कोविड से पहले LMIA डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप विद इन 6 मंथ्स अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते थे। मतलब आपको 6 महीने मिलते थे कि आप अपने वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ LMIA डॉक्यूमेंट, या फिर आपको 6 महीने मिलते थे कि आप इस LMIA डॉक्यूमेंट की हेल्प के थ्रू अपनी एक्सप्रेस एंट्री में 50 पॉइंट्स एड कर सकते हैं या फिर इवन 200 पॉइंट्स डिपेंडिंग कि आप किस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ये दो चीजें आप LMIA के डॉक्यूमेंट के थ्रू
6 महीने में आपको करना होता था। कोविड के बाद आईआरसीसी ने ये जो टाइम फ्रेम है ये 18 मंथ्स का कर दिया था और लास्ट ईयर इन्होंने वो 18 मंथ्स को रिड्यूस करके 1 ईयर कर दिया। अब रीसेंट अपडेट के हिसाब से विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of May 2024 आपको फिर से सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही अपना वर्क वीजा अप्लाई करना है या एक्सप्रेस एंट्री में अपने LMIA डॉक्यूमेंट के हेल्प के थ्रू जो आपको 50 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो अब वो टाइम फ्रेम 1 ईयर से 6 मंथ्स हो गया है जो हमारा प्री कोविड टाइम फ्रेम था। चलिए अब हम अपने 6th अपडेट की तरफ चलते हैं और ये है हमारे ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के बारे में। ब्रिटिश कोलंबिया अगले साल 2025 में 3 नई स्ट्रीम्स के साथ आ रहा है। पहला आता है हमारा बैचलर स्ट्रीम जिसमें आप ब्रिटिश कोलंबिया में बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास परमानेंट जॉब ऑफर होना चाहिए। परमानेंट जॉब ऑफर का मतलब यह है कि उसमें कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए कि आपका ये ऑफर 1 ईयर के लिए वैलिड है या 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ परमानेंट फुल टाइम जॉब। तो ये आपको ऑफर चाहिए होगा टू अप्लाई फॉर द PNP प्रोग्राम। दूसरा आता है हमारा मास्टर स्ट्रीम जिसमें अगेन आपको ब्रिटिश कोलंबिया में मास्टर्स करनी है और उसके बाद जिसमें आपको कम से कम 1 साल का ऑफर लेटर किसी ब्रिटिश कोलंबिया के एम्प्लॉयर से चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम। तीसरा आता है हमारा डॉक्टरेट स्ट्रीम या फिर PhD स्ट्रीम। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन करनी है ब्रिटिश कोलंबिया में, आपको इससे रिलेटेड कोई भी जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्ट्रीम। These all streams will be in place from January 2025. हमारा 7th अपडेट आता है हमारी प्रोविंस एल्बर्टा से। अब आपको अगर एल्बर्टा से किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिलता है उस रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है जो कि एम्प्लॉयर की मीट होनी चाहिए। पहली तो ये दैट एम्प्लॉयर शुड बी इन बिजनेस इन एल्बर्टा प्रोविंस फॉर एटलीस्ट 2 फिस्कल ईयर्स। दो मतलब कि ये कि जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है या कोई एम्प्लॉयर जो आपको ऑफर दे रहा है अल्बर्टा में, मेक श्योर करें वो कम से कम 2 साल से अल्बर्टा में बिजनेस कर रहे हो। उसके अलावा उनकी जो मिनिमम टर्नओवर होनी चाहिए वो होनी चाहिए $400,000 पर ईयर। उसके अलावा उस कंपनी में कम से कम 3 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने चाहिए। ऐसा कुछ पहले एम्प्लॉयर रिलेटेड ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पहले अल्बर्टा के नहीं थे जो कि अब आपको मैं बता रहा हूं। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो एम्प्लॉयर के पास होना चाहिए बिफोर दे थिंक ऑफ हायरिंग एनी फॉरेन नेशनल। ये वो सारे PNP प्रोग्राम्स जो अल्बर्टा रिलेटेड जितने भी PNP प्रोग्राम्स हैं ये सब पे एप्लीकेबल है जहां पे आपको जॉब ऑफर लेना मैंडेटरी होता है। अब चलिए समराइज करते हुए ये जो भी हमने डिस्कस किया और आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है रिलेटेड टू कैनेडा इमिग्रेशन। देखिए ये सब मेरी एक अजम्पशन है एंड आई एम नो वन to predict on this, but IRCC are themselves to be blamed for all this mess. जो भी यहाँ पे लोग already हैं Canada में जो कि problems के through जा रहे हैं, कोई housing crisis जो हो रही है या healthcare में जो issues आ रहे हैं industry में, healthcare industry में जो इतने issues आ रहे हैं या और कोई भी Canada economy जिस phase के through जा रहा है, IRCC has a big reason to blame themselves on this. काफी चीजें IRCC के हाथ से निकल गई, no doubt about it. जहां पे इनको कंट्रोल करना चाहिए था वहां पे इन्होंने कंट्रोल किया नहीं, सिचुएशन को अपने हाथ से जाने दिया। नाउ आई बिलीव जो कनाडा के इमिग्रेशन मिस्टर मार्क मिलर वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पे उनको टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, उनको ये टफ मेजर्स लेने पड़ रहे हैं टू कंट्रोल द डैमेज दैट हैज बीन डन टिल डेट। और मेरा ये मानना है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली इन द राइट डायरेक्शन। और मेरी एक बात याद रखिएगा, आई विल नॉट बी अमेज्ड कि आगे कुछ और टाइम में, कुछ और महीनों में आप और कुछ नए स्टेप्स देखेंगे, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कोई न्यू अपडेट्स देखेंगे IRCC के थ्रू आते हुए टू कंट्रोल द डैमेज दैट दे हैव डन और टू टैकल द बंच ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ। वेल विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव्ड इट। और अपना लव लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन एंड नोटिफिकेशन का बटन दबा के दिखा दीजिएगा एंड शेयर दिस video with as many people as you can ताकि उनको भी latest updates मिलते रहें। Well guys, once again thank you so much for watching this video and I'll see you in the very next. Good night, take care, bye bye.